नहीं ले रहा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब बीजेपी ने शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया और बीजेपी को चुनौती दे डाली। इन्होंने मेरे यहां पर सीबीआई की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने उम्मीद लगाई कि घर में नहीं मिला कुछ, लॉकर में जरूर कुछ होगा। फिर ये लॉकर में गए, मैंने आप सबके सामने तथ्य रखे कि वहां भी केवल झुंझुना मिला बच्चे का, लॉकर में भी। फिर इन्होंने सारी जांच करा ली, अब सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे। 4 दिन के अंदर अंदर ये स्टिंग के बेस पे सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले अगर इस स्टिंग में सच्चाई है। और नहीं तो फिर आप मान लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से रची गई एक और साजिश है। कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान सामने आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश